ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उद्रह सुनते उद्रह बिनसे पाप कनेरे। पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। गुरु प्यारियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी 8वीं और 9वीं पौड़ी विच्चों समझन दा जतन करांगे कि उस काल पुरख दी सिफत सलाह सुनन नाल साडे अंदर केड़े केड़े चेंजेस आउंदे ने। आओ सरवण करिए। गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ। 8वीं पौड़ी तो 11वीं पौड़ी तक सुनया शब्द दी वरतो गुरु नानक देव जी द्वारा कीती गई है, जिदा अर्थ है सुनन नाल या डीप लिसनिंग। सिद्ध उस जोगी नु कहा गया है जिदी काल कमाई सफल हो चुकी है। सुर सुरमे लई वर्त्या गया है, जिदा मीनिंग है वॉरियर। नाथ दा अर्थ है देवता। वाहिगुरु दे नाम दी बरकत इन्नी ज्यादा है कि रब दी सिफत सलाह सुनन नाल साधारण मनुख सिद्धां पीरां सूरमियां ते देवतियां दियां पदवियां हासिल कर लैंदा है। सुनया तरत तवल आकाश। एथे तरत तरती नू कहा गया है, आकाश आसमान नू, ते तवल दा अर्थ है तरती दा आसरा, यानी कि ओ रब। इस पंक्ति दा अर्थ है कि वाहिगुरु दी सिफत सलाह सुनन नाल इस सोची पै जांदी है कि तरती अते आकाश दा आसरा ओ वाहिगुरु ही है। सुनया दीप लो पाताल। एथे दीप आइलैंड लई वर्त्या गया है। लो मतलब लोक। एदे कई अर्थ ने, लो लोगां लई या दुनिया लई वर्त्या जा सकता है, ते एथे दोवे ही सही ने। पाताल तो पाव है तरती दा निचला हिस्सा। वाहिगुरु दी सिफत सलाह सुनन नाल ए सोजी पैंदी है कि ओ रब सारे दीपां लोकां ते पातालां विच व्यापक है। सुनया पोह न सकै काल। एथे पोह दा अर्थ है डर, ते काल तो पाव है मौत। गुरु जी समझाउंदे ने, वाहिगुरु दी सिफत सलाह सुनन नाल मनुख नू मौत भी नहीं डरा सकदी। नानक पगता सदा विगास। विगास दा अर्थ है खिड़ाओ या खुशी। हे नानक, जिड़े अकाल पुरख दी सिफत सलाह सुनन वाले पगत जन ने, उना दे हिरदे विच हमेशा खिड़ाओ बनया रहंदा है। पाओ ओ मानसिक तौर ते हमेशा खुश रहंदे ने। 8वीं पौड़ी दी आखरी पंक्ति विच गुरु नानक देव जी लिखदे ने, सुनया दुख पाप का नाश। रब दी सिफत सलाह सुनन नाल मनुख दे दुखां ते पापा दा नाश हो जांदा है। 9वीं पौड़ी दी पहली पंक्ति विच गुरु नानक देव जी फरमांदे ने, सुनया ईसर बर्मा इंद। एथे ईसर शिव जी लई वर्त्या गया है, बर्मा ब्रह्मा जी लई ते इंद इंदर देवता लई। गुरु जी समझाउंदे ने कि रब दी सिफत सलाह विच इन्नी ताकत है कि साधारण मनुख भी शिव ब्रह्मा ते इंदर दी पदवी हासिल कर सकता है। सुनया मुख सलाहन मंद। एथे मुख दा अर्थ है मुंह नाल, सलाहन दा अर्थ है रब दियां वड्याईयां, ते मंद तो पाव है पैड़ा मनुख। रब दियां सिफत सलाह सुन सुन के मंदे मनुख उत्ते भी बाणी दा इन्ना असर हो जांदा है कि वो अपने मुंहों रब दियां सिफतां करन लग पैंदा है।
सुनया जोग जुगत तन पेद, एथे जोग जुगत तो पाव है जोग दे साधन। तन दा अर्थ है शरीर या बॉडी, ते पेद दा अर्थ है गल्ला। रब दी सिफत सलाह सुनन नाल साधारण मनुख नु भी शरीर विच दियां गुजियां गल्लां पाव योग साधना दियां गल्लां दा पेद पता चल जांदा है। सुनया सासत सिमरत वेद, रब दी सिफत सलाह विच सुरत जोड़न नाल मनुख नु सोझी पै जांदी है ते ओ शास्त्रां सिमृतियां ते वेदां दा ज्ञान लैन लगदा है। अगली दो पंक्तियां विच गुरु नानक देव जी लिखदे ने, नानक पगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। हे नानक, नाम नाल प्रीत करन वाले पगत जना दे हिरदे विच सदा खिड़ाव बनिया रहिंदा है, क्योंकि रब दी सिफत सलाह सुनन नाल मनुख दे दुखां ते पापां दा नाश हो जांदा है। अगली वीडियो दे विच असी समझन दी कोशिश करांगे कि रब दी सिफत सलाह करन नाल मनुख नू होर की मिलदा है। इस लई अगली वीडियो नू देखना ना भुलना जी। भुलना चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।